Good morning, all of you. Open your SST book and open page number 205. Students, yesterday I have talked to you about Steel India. Okay? उसका शीर्ष जो पैराग्राफ को आज कंप्लीट कर लिया देखिए ध्यान से तुम लोगों को देखिए बुद्धिज्म रीच तिबेट पाया लद्दाख लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिबेट बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के लोग जो होते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनको बुद्धिज्म कहा जाता है बौद्ध धर्म के लोग इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स ago ध्यान से एक एक वर्ड को अच्छे से समझ लीजिए इस्लाम जो धर्म था यहां पर इस क्षेत्र में इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स ago आज से तकरीबन 400 साल पहले 400 ईयर्स ago एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है जनसंख्या है वो यहां पर लेकिन यहां पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कश्मीर में यूं तो एट प्रेजेंट में कश्मीरी पंडित वगैरह और सारे यूं हैं जब से हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर पूर्ण रूप से रहने को स्वतंत्र उसको पसंद को मिले कि आप आराम से वहां रह सकते हैं सारी चीजें अभी कुछ समय पहले आपने धारा जो थी वो 370 आर्टिकल उसको भी उन्होंने वहां से खत्म करके हटा दिया था तो यहां पर मुस्लिम लोग थे उनकी जो जनसंख्या थी वो भी थोड़ा सा यहां पर ज्यादा थी लद्दाख हैज वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स जिस तरह से आपने राजस्थान में हर अपने आप को पहले बता चुके हैं कि हर स्टेट का अपना अलग अलग कल्चर है अलग अलग एक्टिविटीज होती है तो वहां भी लद्दाख में जो है वो हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ओरल ट्रेडिशन अपनी पुरानी परंपराओं के अनुसार यहां पर वहां सॉन्ग्स एंड पोएम्स गीत और कविताओं के लिए जाना जाता है भी जाना जाता है लोको वसंस ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिका केसर संगा एंड परफॉर्मड बाय सॉरी केसर संगा आर परफॉर्मड एंड सन बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट दोनों केरला इज स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर अब देखिए केरला के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा केरला जो क्या है जो साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के दक्षिण पूर्व साउथ वेस्ट कॉर्नर पर यह बसा हुआ है स्टेट है इट इज सराउंडेड बाय द सी यानी सराउंडेड में उसका बेटा चारों ओर से घिरा हुआ है समुद्र के द्वारा सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर एक साइड से चारों से घिरा हुआ है दूसरी साइड से यहां पर पहाड़ियां हैं हिल्स पहाड़ियां यहां पर इन नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर स्पाइसेस स्पाइसेस में जो घरों में आप लोग यूज कर रहे हैं मिक्स मसाले ज्यादातर आपने कई बार ये सुना भी होगा आपके पेरेंट्स भी बताते होंगे लोगों से भी सुना होगा कि जो स्पाइसेस जो मसाले वो ज्यादातर केरला साइड से ही आते हैं तो वो कौन कौन से मसाले हैं लाइक पेपर क्लोव्स एंड कार्डामम्स इलायची लौंग काली मिर्च ये सब आपने अपने घर में आप यूज भी करते हैं और देखते भी तो ये सब केरल से ओके इस नंबर 206 में देखिए आर ग्रोन ऑन द हिल्स इन पहाड़ ग्रो ग्रीव ग्रोन वर्क की थर्ड फॉर्म उगाया जाना पैदा होना उगाया जाता है ओके इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स टू कम हियर द फर्स्ट अब देखिए ये जो मसाले हैं मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस आकर्षक स्थान जैसे कि जब खेती होती है इन जगहों पर इन मसालों की खेती तो एक बहुत ही आकर्षक स्थान बन जाता है और ट्रेडर्स के लिए व्यापारियों के लिए
कम हियर द फर्स्ट, जो यहाँ पर पहले आए थे, यानी उन व्यापारियों के लिए ये एक जो स्थान है बहुत ही काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर वो व्यापारी पहले आए थे और उनका ये आकर्षण का केंद्र रहा है। अच्छे से यहाँ पर वो सब उसको लाइक करते थे, क्योंकि तभी से स्पाइसेस जो है ना वो ज्यादातर इंडिया में केरल से आते हैं। ठीक है, आगे देखो, द बोस्टिंग ऑफ क्राइस्ट, ईश्वर का भेजा हुआ दूत, क्राइस्ट, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन इट मींस क्रिसमस, और वहां पर ईश्वर का भेजा हुआ दूत यानी कि देवदूत अगर हम जिसको कहते हैं, सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 इयर्स अगो एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। देखिए यहां पर सेंट थॉमस थे, उनका ये मानना था, उनका ये विश्वास था, सेंट थॉमस इज बिलीव, वो विश्वास करते थे किसमें, टू हैव कम हियर नियरली 2000 इयर्स। आज से तकरीबन 2000 वर्ष पहले यहां पर आए थे, एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी, ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाइयों का जो धर्म और ईसा मसीह, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, जिसको आप लोग आई थिंक उनका जो बर्थ है और इट मीन्स 25 दिसंबर, तो यहाँ पर वो आए थे 2000 वर्ष पहले। इसलिए एक मैं आपको बता दूँ, एक होता है BC और एक होता है AD। BC इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, AD आफ्टर, उसके बाद की जो घटना होती है उसको तो हम AD में समझते हैं, एनोनोमी, और BC का मतलब था बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जितनी घटना है, जितने भी इवेंट्स होते, जितनी भी घटना घटती है वो BC में से होती है और तो AD में होता है। तो यहाँ पर वो आए हुए थे क्रिश्चियनिटी टू इंडिया भारत में। दूसरी चीज, मेनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, अरब ट्रेड यानी अरब के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो यहाँ पर आए थे, किस लिए आए थे, सेटल डाउन हियर, यहाँ पर रहने के लिए, सेटल होने के लिए, रहने के लिए, स्थापित हो जाने के लिए वो यहाँ पर आए थे। इबान बतूता, ये देखिए नेम है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, हु ट्रेवल हियर लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, ट्रेवल यहाँ पर उसने यात्रा की थी कम समय के लिए, आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व, ठीक है, रोड ए प्रलू इन विच ही डिस्क्राइब्स द सॉरी इन विच ही डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स एंड सेज दैट दे वर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी। उसने ये लिखा है, किसी चीज का वर्णन करना, किस चीज के बारे में, द लाइफ ऑफ मुस्लिम्स यानी जो मुसलमान, जो मुस्लिम लोग रहते थे उसके बारे में उसने ये लिखा हुआ है, और उसने ये कहा है कि ये दे वर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, यानी काफी अधिक कम्युनिटी में सुना समुदाय, और रेस्पेक्टेड यानी कि हम किसी का जब सम्मान करते हैं, उसको उसका आदर करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो ना कि यानी मुस्लिम जो समुदाय था वो काफी रेस्पेक्ट करता था। तो वो यहीं पर उन्होंने अपनी बुक में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। द पुर्तगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को द गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, पुर्तगाली, पुर्तगीज, पुर्तगाली, डिस्कवर्ड मींस खोज ला द सी रूट, समुद्री मार्ग, सी रूट का मतलब क्या है, समुद्री मार्ग, समुद्र के पुर्तगाली था, अब आपने कई बार नाम उसका सुना वास्को डा गामा था, ठीक है ना, फ्रॉम यूरोप, वो यूरोप से आया हुआ था, और उसने क्या किया था कि अपने जहाज के शिप, शिप के माध्यम से वो यहाँ पर आया था, वास्को डा गामा उसका नाम था, ठीक है ना, और वो यूरोप, बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजंस सच एज जुडाइज्म। यहाँ पर देखिए ये एक मैं आपको बता दूँ,
यहूदी धर्म इस्लाम, और जिसको कि इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है, यहूदी धर्म, यहूदियों का ये काफी पुराना धर्म है। देखिए जरा वर्डों का बहुत से, देखिए जुडाइज्म के बाद लिखा हुआ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। हिंदुओं का धर्म क्रिसमस, यानी कि क्रिश्चियंस का जो होते हैं उनका, इस्लाम का और यहूदियों का और बौद्ध। ओके ठीक है बेटा, होमवर्क नोट कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा आप लोग क्या किया, मैंने कई बार आप लोग को आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स यू विल हैव टू राइट डिफिकल्ट वर्ड फ्रॉम योर बुक, इसमें से अपने जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको निकाल करके लिखिए, क्योंकि अगर आपने डिफिकल्ट वर्ड को आपको नहीं लिख पाएंगे तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को अच्छे से नोट करिए, होमवर्क में ये पूरा चैप्टर क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद आप लोग वन आर टू डेज